नमस्कार दोस्तों, आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करना है डायनेमिक स्पॉट एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे आप किस प्रकार से इस एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे और इसमें देख सकते हैं मेरे फ़ोन में जैसे यहाँ पे डायनेमिक आइसलैंड यहाँ पे ऊपर है, तो इसे आप कैसे अपने फ़ोन में लगाएंगे, तो चलिए जान लेते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड आपको सबसे पहले डायनेमिक स्पॉट एप्लीकेशन ये जो है आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो यहाँ पे प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जब इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डायनेमिक स्पॉट एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको सिंपली इस पर टाइप करके इसे नेक्स्ट कर देना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक सेलेक्ट ऐप्स का, एंड यहाँ पे नोटिफिकेशन एक्सेस का, एंड यहाँ पे ड्रॉ ऑन स्क्रीन का। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे इनेबल करना होगा। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन इसे हम इनेबल करते हैं। आपको यहाँ पे ऐप्स परमिशन देना होगा, तो चलिए यहाँ पे कोई भी ऐप्स, जितने भी ऐप्स आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यही केवल एक ही ऐप से यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे आपको जो है डिवाइस नोटिफिकेशन का यहाँ पे परमिशन देना होगा। तो आप जो है इस एप्लीकेशन का जो डिवाइस नोटिफिकेशन होता है यहाँ पे आपको अलाउ कर देना होगा। तो चलिए यहाँ पे अब तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी इसे हम इनेबल कर लेते हैं। आपको इस पे टाइप करना, टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं डायनेमिक आइसलैंड का ऑप्शन मिल जाता है, एंड यहाँ पे मैक टाइप का। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली इस पे टाइप करके जिसे जितने फीचर हैं इसी के लिए फ्रेंड आपको इसे इनेबल कर देना होगा। तो चलिए फिर से यहाँ पे कर लेते हैं, अभी इनेबल नहीं हुआ। यहाँ पे अभी क्रॉस का ही ऑप्शन है, यहाँ पे साइन आपको देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पे डायनेमिक स्पॉट एक ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली इस पे टाइप कर देना होगा। टाइप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सारा जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब आपको क्या करना हो फ्रेंड, यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा था डायनेमिक स्पॉट एंड, तो आपको यहाँ पे डायनेमिक आइसलैंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप डायरेक्ट अब आपको जाना यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन एक्सेस देने के बाद, अब आपको यदि यहाँ से एप्लीकेशन से यहाँ पे ऊपर जो आपका जो है डायनेमिक आइसलैंड दिखता तो ठीक, नहीं तो आपको क्या करना होगा, आपको सीधे अपने सेटिंग में आ जाना होगा, अपने फ़ोन के सेटिंग में, और यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च कर लेना होगा डायनेमिक आइसलैंड। आपको यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया डायनेमिक, तो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे नीचे का ऑप्शन मिल जाता है डायनेमिक आइसलैंड का। तो इस पर टाइप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ऑप्शन है यहाँ पे डायनेमिक आइसलैंड का। तो आपको यहाँ पे सिंपली इसे इनेबल करना है, जैसे इनेबल करेंगे तो आपका जो यहाँ पे नोज पे आपका जो है आइसलैंड यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डायनेमिक आइसलैंड यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ से आपका जो है डायरेक्ट यहाँ पे शो हो जाएगा, सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे फ्रेंड। अब इसे आप जो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड आपको दूसरे एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, इस एप्लीकेशन से आप जो है इसे बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन क्या फ्रेंड यहाँ पे चलिए जान लेते हो, ये भी प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर सर्च करना होगा डायनेमिक आइसलैंड ऐप। तो यहाँ पर देख सकते हैं यही एप्लीकेशन है, आप इसे डाउनलोड करके ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है डिस्प्ले पे गेस्चर का, यहाँ पे सॉरी गेस्चर के ऊपर है यहाँ पे डिस्प्ले का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं हाइट विड्थ, तो आपको जो भी यहाँ पे करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे चलिए हाइट यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो हाइट कर सकते हैं, और विड्थ करना चाहते हैं जिसे भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए यहाँ मैं आपको बढ़ा के दिखा देता हूँ कैसे क्या होता है। डिस्प्ले ऑप्शन पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे छोटा बड़ा आप जो अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं, एंड इसका हाइट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप जैसा भी चाहें आप वैसे भी यहाँ पर इसकी लंबाई चौड़ाई जो भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप जो इसी प्रकार से फ्रेंड आप जो इस एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे और अपने एंड्रॉयड फ़ोन में iPhone 40 की तरह ही डायनेमिक आइसलैंड लगा सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमें लेटेस्ट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।